मेहता का उल्टा चश्मा। आज रात को तुम अपनी नौकरी पे जरूर जाओगी और आज रात को ही उन बदमाशों को औरत का असली रूप और असली ताकत का पर्चा मिलेगा, क्योंकि आज रात को हम करने वाले हैं मिशन साफ सफाई। बापू जी, हमारे मिशन के लिए हमें आशीर्वाद दीजिए। बहू, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। विजयी भव। थैंक यू बापू जी। तो बैठो, तैयार तैयार तैयार। अब तो ये मिशन साफ सफाई सफल होके रहेगा। तो भारती, आज रात को क्या करना है बराबर समझ गई ना? बिल्कुल, और जैसा आपने समझाया बिल्कुल वैसा ही करूंगी। गुड। और भारती, मिर्ची पाउडर साथ में रखना मत भूलना। हाँ हाँ भाभी, मैं रख लूंगी, और इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी समझ गई हूँ मैं। शाबाश। और भारती, एक चीज हमेशा याद रखना, भगवान ने हम लेडीज को एक कुदरती हथियार दिया है, हमारे नाखून। और हाँ भारती, सेफर साइड के लिए पेपर स्प्रे भी रख लेना। हाँ जी। और भारती, इन सब के साथ जरूरी है एक और चीज, हिम्मत। सच में आप गोकुलधाम सोसाइटी की औरतों से मिलके मुझ में भी लड़ने की हिम्मत आ गई है। आप सबकी बातों ने मुझ में ऐसा जोश भर दिया है कि अब मैं किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हूँ। शाबाश भारती, शाबाश। अच्छा भारती, तुम रात को नाइट शिफ्ट से कितने बजे लौटोगी? करीब 1:30 बजे। 1:30 बजे के आसपास मैं आप लोगों को सुभाष रोड के कॉर्नर पे मिलूंगी। परफेक्ट, ठीक है। और भारती, ये लो मोबाइल फोन। कल रात को तुम्हारा मोबाइल फोन टूट गया था ना, इसमें हम सबके नंबर है। हाँ, फोन के जरिए हम लोग टच में रहेंगे। जी चलिए, अब मैं चलती हूँ। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एक मिनट भारती। बबीता जी, हम भारती को लेडीज हॉस्टल तक छोड़ के आते हैं। गुड आइडिया, चलो भारती। अरे नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मैंने एक बार कहा ना कि हम छोड़ के आते हैं तो छोड़ के आते हैं बस। अरे भाभी, आप खामखा परेशान हो रही हैं। भूल गई भारती, अंजलि भाभी को कोई मना नहीं कर सकता। दया भाभी। अरे लो, रिक्शा यही मिल गई। रिक्शा चलो भाई। चलो चलो, गोकुल धाम की शेरनियों, आज रात के मिशन साफ सफाई की तैयारी करनी है ना? यस। चलो हाँ दया, बोल। टप्पू के पापा, आज रात को आप घर पे जल्दी आ जाना। क्यों, आज रात को स्पेशल खाना बनाने वाली है? नहीं खाना नहीं, कहीं जाना है। कहाँ जाना है? गोकुल धाम सोसाइटी की हम सारी बहने रात को एक मिशन पर जाने वाली है। मिशन? कौन सा मिशन, कहाँ जाने वाले? मिशन साफ सफाई। मिशन साफ सफाई मतलब? टप्पू के पापा, कल रात को भारती को जिन गुंडों ने छेड़ा था ना, उन गुंडों को हम गोकुलधाम सोसाइटी की सारी बहने मजा चखाने जाने वाली है। दया पागल जैसे बात मत कर, गुंडों को मजा चखाना खाना चखाने जैसे आसान बात नहीं है। ये काम पुलिस का, पुलिस करेगी। टप्पू के पापा, अब हम लड़े चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम पर हो रहे हमले को हम गूंगी गुड़िया बनकर नहीं सहेंगे। और समझ में, ये जो गंदगी दीमक की तरह फैल रही है ना, उससे हम गोकुलधाम सोसाइटी की बहने मिशन साफ सफाई से साफ करके रहेंगे। दया दया, जरा टाटी पड़। देख, तू ऐसा नहीं कर सकती भाई। टप्पू के पापा, आप दुकान से जल्दी आए या ना आए, आज मिशन साफ सफाई होकर रहेगा। हेलो दया, हेलो। ये गोकुलधाम सोसाइटी की लेडीज भी ना, कुछ करना पड़ेगा। मालव, ये धमकी देना कि मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा, उससे क्या इंक्रीमेंट मिल जाएगा? पहले अपने आप में वो टैलेंट पैदा करो।
हेलो हाँ मेहता साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ जेठालाल, क्या हुआ? सोसाइटी में टैंक में ऊपर पानी चढ़ा के नहीं? अरे भाई सोसाइटी की बात छोड़ो, यहाँ सोसाइटी के लेडीज के दिमाग में पानी चढ़ गया है। क्या बोल रहे हो भाई, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे मेहता साहब वो ठीक है जेठालाल, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। ठीक है। हेलो। हाँ भिड़े, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ भाई, तुम्हारा नंबर सेव है मेरे मोबाइल में, तो तुम्हारा नाम आ गया। अच्छा, तो नाम के साथ यह भी आ गया होगा ना मैंने किस लिए फोन किया। तो रात को पहुंच जाना। अरे एक मिनट, रात को किस लिए कहाँ पहुंचना है? अरे भाई, तो सीधे सीधे बात करा तो भी वर्ड कर रहे तू। कहते ते जे कहते हाई ने ते सांगते, जरा कान चालू करो ना। आईका। हाँ बाबा, कान चालू से बोला। हाँ आईका। अरे देवा, अब तो रात को मिलना ही पड़ेगा। हाँ तो पहुंच जाना। हाँ बाबा, देखिए लगातार 3 दिन तक दवाइयाँ टाइम पे लेते रहिए, एक टाइम भी मिस मत कीजिए, ठीक है? अब आप जाइए। हाँ बोलिए जीटा भाई। अरे हाथी भाई, देखिए बात यह है, वो नहीं नहीं सही बात है जीटा भाई, रात को मिलते हैं। ठीक है। मेरे इधर का क्या रिएक्शन आता है वो मेरे को बताना। हाँ ओके यार। हेलो। हाँ यार भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे भाई, एक बहुत जरूरी बात करनी है इसलिए फोन किया है। हाँ तो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ये केबी वाईडी आइटम है ना? क्या? कुछ नहीं, सुनो। क्या बात कर रहे हो तुम जेठालाल? अभिता ने तो मेरे को इस बारे में कुछ नहीं बताया, ये तो बहुत टेंशन वाली बात है। वही तो। ठीक है रात को मिलते हैं। हाँ ओके। दया, दया! क्या हुआ टिप्पू के पापा, इतने गुस्से में क्यों है? मैं कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब मेरे को सुनने का ही नहीं, जो मन में आता करे जा रही है। अरे घर में ठीक से साफ सफाई होती नहीं है और समाज की साफ सफाई करने निकली है। टिप्पू के पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? उस भारती को कुछ गुंडों ने छेड़ा है, वो बेचारी ये शहर में अकेली रहती है, बहुत घबराई हुई है। और ऐसे में एक लेडीज दूसरे लेडीज को मदद नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अरे मेरी माँ हमेशा कहती है, मुश्किल घड़ी में मदद करना इंसान का धर्म होता है। तेरी माँ ने तो ये भी कहा था ना कि पति का पढ़िया बोल झिलना पत्नी का धर्म होता है, जैसा पति कहे वैसा ही पत्नी को करना होता है, कहा था कि नहीं? कहा था। तो कहाँ गया तेरा पत्नी धर्म? दया, आज तुझे तेरा पत्नी धर्म निभाना पड़ेगा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुझे करना पड़ेगा। टप्पू के पापा प्लीज, प्लीज टप्पू के पापा रिक्वेस्ट, मैं गोपालधाम सोसाइटी की सभी बहनों को वचन दे चुकी हूँ, हमें उन गुंडों को रंगे हाथ पकड़ना है, मेरा जाना जरूरी है टप्पू के पापा। और मेरी माँ हमेशा कहती है, एक बार वचन देते हैं तो उसको निभाना चाहिए। मैं अपना वचन कैसे तोड़ सकती हूँ टप्पू के पापा? तो मैं भी गोकुलधाम सोसाइटी के सभी जेंट्स को वचन दे चुका हूँ कि आज मिशन साफ सफाई में गोकुलधाम सोसाइटी की लेडीज अकेली नहीं जाएगी, उनके साथ उनकी मदद करने हम भी जाएंगे। अब क्या बोले टप्पू के पापा? तूने बिल्कुल सही सुना मेरी दया, आज मिशन साफ सफाई में गोकुलधाम सोसाइटी की सभी लेडीज के साथ गोकुलधाम सोसाइटी के सभी जेंट्स भी आएंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। अरे समाज के प्रति हम जेंट्स लोगों का कोई कर्तव्य नहीं है, कोई फर्ज नहीं है टप्पू के पापा? अरे दया, कभी कभी हम जेंट्स लोग घर के साफ सफाई में तुम्हारी मदद करते हैं, तो आज समाज के इतने बड़े साफ सफाई मिशन में तुम्हारा साथ नहीं देंगे? थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू। मैंने गोकुलधाम सोसाइटी के सभी जेंट्स को फोन कर दिया है, सभी तैयार है, रात को सभी टाइम पे कंपाउंड में आ जाएंगे। अरे वाह, वैसे टप्पू के पापा आपने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या बात कर रही है, मेरे गुस्से की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि तू सच मान गई? हाँ तो
फिर तो मुझे एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। नहीं टप्पू के पापा। क्यों? वो वापस कोई गुलाबड़ी आ गई तो? अरे हाँ, नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, अपना गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से ठीक है भाई। हाँ बोले बोले बबीता जी। जेठा जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू क्यों? अभी अभी आईगन ने मुझे बताया कि हमारे मिशन साफ सफाई में आप सारे जेंट्स हमारा साथ दे रहे, इसलिए थैंक यू वेरी वेरी मच। अरे बबीता जी इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो हम जेंट्स लोगों की फर्ज है। और बोलिए, और कोई मेरे लायक सेवा हो तो बोलिए। हाँ तो आप दाई भाभी को कह दीजिएगा कि रात को साथ में एक टॉर्च ले ले। हाँ हाँ अभी अभी बोल देता हूँ। बबीता जी बोल रहे हैं रात को जाते वक्त साथ में टॉर्च ले लेना। ठीक है मैं ले लूंगी। हाँ ले लेगी है? बोल दिया। और बोलिए और कुछ? बस तो रात को मिलते हैं। ओके थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओके बाय। चले टप्पू के पापा अब जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर बर्तन की साफ सफाई करके समाज की साफ सफाई करने जाते हैं। ओहो डायलॉग पर डायलॉग मार रही है आज तो तू। चलिए टप्पू के पापा जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना परोसती हूँ। आ गए मेहता साहब। बिल्कुल 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 बैठा ला। अरे सब आए। सब टाइम पे। तो सब लोग आ गए? हाँ, अच्छा तो अरे कहाँ जा रही है? एक मिनट, सारी महिलाएं जरा इस तरफ आ जाइए, मुझे मिशन साफ सफाई की प्लानिंग करनी है। आ जाइए। बिल्कुल इस तरफ आ जाइए। ये जेठालाल लेडीज लोग एक तरफ, मतलब हम जेंट्स क्या इस मिशन में शामिल नहीं है? हाँ जेठालाल तुमने तो बोला था फोन पे कि हम लोग जाने वाले हैं सब, फिर भी एग्जैक्टली क्या हुआ? फोन करके कि हम लोग खुद जा रहे हैं सर, उसके साथ चलो जेल हो गया। एक मिनट एक मिनट। अरे दया ये मिशन साफ सफाई का हम जेंट्स लोग हिस्सा नहीं है? नहीं हम जेंट्स लोग भी तुम्हारे साथ आएंगे, तो अभी क्या हम जेंट्स लोग तुम्हारे साथ नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे क्योंकि क्या है, मिशन साफ सफाई सिर्फ हम लेडीज लोगों के आत्मसम्मान की लड़ाई है, और हम सब चाहते हैं कि ये लड़ाई में सिर्फ हम लेडीज बिना किसी का सहारा लिए मिशन साफ सफाई को अंजाम दें। राइट। मतलब जेठालाल अभी फाइनली क्या है, हम लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे? जेठालाल रात को जागने के चक्कर में दोपहर को 2 घंटा सोया था मैं, अभी तो नींद भी नहीं आएगी घर पे। ये तो गलत बात है जेठालाल। एक मिनट भाई, तुमको तो मैंने फोन भी नहीं किया था, तुम क्यों आ गए इधर? माना कि तुम्हारा फोन नहीं आया था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला मैं अपना फर्ज समझ कर आ गया, और मैं आप लोगों के साथ जेंट्स बनकर नहीं, मैं तो और पत्रकार आ रहा। भागा पूरा बोरा ब्यौरा। सॉरी सॉरी, वो मैं दोपहर को तेरी तरह सोया नहीं हूं ना, तो वहां का पूरा ब्यौरा कल के तूफान एक्सप्रेस में छप जाएगा। जीठा भाई आने दीजिए। आती भाई क्या आने दीजिए, हम जेंट्स लोगों के जाने को तो वांदे, और इनको भी आने दीजिए। एक एक मिनट दया। टप्पू के पापा आप सभी जेंट्स हमारे साथ मिशन साफ सफाई में साथ में आ सकते हैं। बस करवा दिया ना, लेकिन हमारे पीछे छुप कर रहना पड़ेगा, मैदान में हम लोग उतरेंगे, और अगर हमसे कोई चूक हो गई या फिर मामला हाथ से फिसलता हुआ लगे तो ही अब जेंटस लोग हमारी मदद के लिए आएंगे। ठीक है ये प्लानिंग है तो ठीक है, मतलब चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दया एक मिनट एक मिनट। ठीक है हाँ, लेकिन दया भाभी वो लड़की हमें कहाँ मिलने वाली है? एक मिनट भाई, ऐसा डायरेक्ट बात मत करो, फोन किसने किया था? अच्छा सुभाष रोड। सुन लिया सुभाष रोड। ऐसा डायरेक्ट नहीं सुनने का, फोन किसने किया था? अच्छा तो आप बताइए वो लड़की कहाँ मिलने वाली है? सुभाष रोड। वो तो सुभाष रोड क्यों मिलने वाली है? क्योंकि उन लफंगों ने भारती को वहीं पे छेड़ा था।
और दया भाभी अब हमें चलना चाहिए, भारती का कॉल सेंटर से छूटने का टाइम हो चुका है। हाँ चलिए, आज की रात नारी शक्ति की रात है। यस। आज हम महिलाओं और समाज के दुश्मनों के बीच संग्राम होकर ही रहेगा। विजय बाबा। थैंक यू बापू जी। हमको भी बोला बेटा, हम भी जा रहे हैं। बापू जी जा रहे। टप्पू और टप्पू से ना बापू जी को परेशान मत करना। हाँ पापा। जेठे यार तू जिंदा मत कर। चलो बच्चों। चल चल चल। बाय पापा। बाय बाय। तो अब्दुल भाई सब तैयार है? हाँ दया भाभी एकदम तैयार है। हाँ तो जल्दी से लेकर आइए। यस जल्दी। इधर गए अब्दुल? खाने पीने का भी इंतजाम है क्या रास्ते के लिए? थैंक यू। कोमल भाभी आप? अरे मेरा तो सिर्फ ये हाथ ही काफी है। हाँ वेरी गुड। ये सब क्या है दया? साफ सफाई करने जाना है, ये उसका सामान है। चलो मिशन साफ सफाई का वक्त हो गया है। यस चलो। यस चलो। चलो दोस्तों, मिशन साफ सफाई का बिगुल गोकुलधाम में पूरे जोश के साथ बज चुका है। समाज के शरारती तत्वों को सबक सिखाने के लिए गोकुलधाम के पुरुष और महिलाएं एकजुट हो गए। वैसे देखा जाए तो आपके और हमारे लिए कितने बड़े शर्म की बात है। वो भारत जिसे हम माता कहते हैं, वो भारत जहाँ पे देवी की पूजा होती है, वहाँ आज स्त्री की सुरक्षा के लिए, स्त्री के सम्मान के लिए हमें सड़कों पर निकलना पड़ रहा है, नारे लगाने पड़ रहे हैं, मोमबत्तियां जलानी पड़ रही है। लेकिन गोकुलधाम के लोग क्या करने वाले हैं ये आपको जान के बड़ी ही खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा। लेकिन क्या करेंगे वो, क्योंकि गोकुलधाम निवासियों के कोई भी काम करने के तरीके बड़े निराले होते हैं, उनका अंदाज बड़ा ही पेचीदा होता है, सब कुछ सामान्य नहीं होता। तो अब ये जानने के लिए कि क्या करेंगे गोकुलधाम के निवासी, क्या होगा इस मिशन साफ सफाई में और क्या क्या हो सकता है, ये सब कल्पना कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.